Hello everyone, welcome to Career Banale, and today we are going to start with the quiz actually. And मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी है 23rd June 2020, बिकॉज ये क्विज हम रेगुलर बेसिस पे हम टेलीग्राम में कंडक्ट कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो हम 10 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे. So let's start it. So the first question of the day is a guideline that channelized decision making is called. Okay, so जब भी आपके सामने ऐसा कुछ question आता है you need to read it very slowly first. ठीक है, पहले आप question आराम से पढ़ें, आपको क्या answer tick करना है उसकी जल्दबाजी ना करें. ठीक है, read the question first once again. A guideline that channelized decision making. ऐसी गाइडलाइन दैट चैनलाइज डिसीजन मेकिंग इज नोन एज वॉट. ऑप्शन ए इज़ पॉलिसी, ऑप्शन बी इज़ रूल, ऑप्शन सी इज स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सी, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी स्टाफिंग तो हो ही नहीं सकता. स्टाफिंग इज ओनली रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट. और यहाँ पर हम एक गाइडलाइन की बात करें, यानी ईदर इट कैन बी पॉलिसी और रूल. नाउ दैट चैनलाइज डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग को चैनलाइज करने की बात हो रही है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक रिजिड नहीं है, मतलब वो हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला. इट विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सो इसका आंसर क्या होगा? ए, पॉलिसी. बिकॉज पॉलिसी आप चेंज कर सकते हो लेकिन रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फ्योल. अगर आपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े हो, 14 प्रिंसिपल्स, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. आपके सामने चार ऑप्शंस हैं एंड नाउ यू नीड टू टेल कि कौन सा ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है फ्योल के थ्रू. द फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेकेंड इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन. इट्स वेरी वेरी क्लियर गाइस, द ऑप्शन इज फोर्थ विच इज स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज फ्योल ने स्टैंडर्डाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया है. राइट, सो योर आंसर इज डी विच इज स्टैंडर्डाइजेशन. लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन विच इज ऑन डेल्फी टेक्निक. सो डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड इन ए organizing, B operating, C staffing and D is forecasting. See, Delphi technique कब use होती है? So मतलब बहुत सारे organizations में अगर आपको मतलब पता लगाना है कि आगे जाके किस situation में क्या होने वाला है, उसके regarding कुछ techniques हैं जो बनी हुई हैं, तो this is one of the technique which is used by organization for what? For forecasting. ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर है देर इज़ अ, आप स्क्रीन पे देखें सामने, यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर मतलब डेल्फी टेक्निक समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया है. इसमें क्या होता है कि टीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनोनिमसली एंड उसके बाद उनसे तब तक वो चीज़ पूछी जाती है तब तक एक यू नो कंक्लूजन निकल के नहीं आता. दिस इज़ काइंड ऑफ जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, द सेम वे इज़ डन है, दे वर्क टुगेदर. अगर आपने ब्रेन स्टॉमिंग पढ़ा हो, राइट, सो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू ब्रेन स्टॉमिंग, बट ये ब्रेन स्टॉमिंग का एक स्टेप अहेड है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट इन. नैरो का मतलब क्या होता है? नैरो एंड वाइडर, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, नैरो एंड वाइडर. राइट, वाइड का मतलब होता है ब्रॉड, बड़ा, नैरो का मतलब लिमिटेड. राइट, सो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट इन वॉट? इट विल रिजल्ट इन, फोर ऑप्शन हैं आपके सामने, टॉल, ईदर टॉल स्ट्रक्चर, बी फ्लैट, फ्लैट तो हो ही नहीं सकता, एंड सी मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है इट हैज़ नथिंग टू डू विद द यू नो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो डेफिनेटली अगर आपका मैकेनिस्ट नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो सी एंड डी तो आपका नहीं होगा, इधर इट विल बी टॉल और इट विल बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर. नाउ ही इज सेइंग कि इट्स अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, सो डेफिनेटली इट विल बी अ टॉल स्ट्रक्चर. सो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अंडर फॉर एग्जाम्पल जो टू मिनिमम रिपोर्टीज होना मस्ट है, तो इससे क्या होगा, वो दो रिपोर्टीज हैं, दो रिपोर्टीज के अंदर एज यू कैन सी ऑफ द स्क्रीन मैनेजर वन के अंदर तीन इम्प्लॉयज है, राइट, उसमें से इम्प्लॉय के अंदर दो और इम्प्लॉय है, राइट, सो यू कैन सी दिस इज नॉट अ फ्लैट स्ट्रक्चर. फ्लैट का मतलब होता है सिर्फ एक ही यू नो लाइन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन टॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग. नाउ जो इम्प्लॉय है उसके अंदर और दो इम्प्लॉयज आएंगे, मतलब मिनिमम दो इम्प्लॉयज होना इज मैंडेट, दिस इज नोन एज टॉल स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विद द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ द हॉथ्रोन एक्सपेरिमेंट. अगर आपने हॉथ्रोन एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, सो हॉथ्रोन एक्सपेरिमेंट में क्या था, इफ़ यू रिमेंबर यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन मैनेजमेंट. सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने बनाया था, मतलब हु इनिशिएटेड दिस. सो दिस वाज इनिशिएटेड बाय हु? दिस इज इनिशिएटेड बाय जॉर्ज ए पेनॉक.
ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द जो उनका एक्सपेरिमेंट था, जो हॉथॉर्न इफेक्ट था, दैट रेफर्स टू द फैक्ट दैट पीपल विल मॉडिफाई देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हमेशा आपका बॉस आपको ऑब्जर्व करेगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी यू नो मतलब बहुत केयरफुली आप वहाँ पर काम करेंगे, बहुत सोच समझ के आप काम करेंगे. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं. इट वॉज डन इन विच ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज डन इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, राइट, इन शिकागो इन द लेट 1920s और 1930s अर्ली के अराउंड. एंड इट वॉज डन बाय हूम? दिस वॉज डन बाय ऑप्शन डी, जॉर्ज ए पेनॉक. ओके, ये क्वेश्चन आता है गाइस कई बार पेपर में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. सो सी, पहले आप क्वेश्चन देखो कि अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड हो तो उसका क्या आउटकम होगा. ऑप्शन ए है हाई एम्प्लॉय टर्न ओवर हो सकता है, ऑप्शन बी हाई प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी एब्सेंटिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. डेफिनेटली एब्सेंटिज्म तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन सी हट गया. उसके बाद ऑप्शन डी भी आपका हट जाएगा, बिकॉज अगर ऑप्शन सी ही नहीं है, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो तो आप एबसेंट तो हो गए ही नहीं, यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर जॉब. सो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज हाई एम्प्लॉय टर्न ओवर भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब. सो द answer will be option B here, right? Now, next is question number 7, guys. So, grapevine is called what? Okay, grapevine क्या होता है? See, grapevine is what? जैसे कि आपने देखा होगा अंगूरों का गुच्छा, जब बहुत सारे अंगूर इकट्ठे होते हैं, that is known as, it's an example of grapevine. That is, ऐसे जो जो मतलब जो गुच्छे होते हैं अंगूर के, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं यू नो मतलब ग्रुप करती है. इट इज़ ऑलवेज डन इनफॉर्मली, यानी कि मतलब एम्प्लॉयज़ फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली ही यू नो ग्रेपवाइन का फॉर्म लेते हैं. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रेपवाइन का आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये दिखाया है. तो आप इसमें देख सकते हैं कोई भी जो ग्रेप है, एक ग्रेप जो है वो तीन चार और ग्रेप्स के साथ है, राइट. सो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कभी नहीं होता. जब फॉर्मली आपको कुछ चीज़ बताई जाती है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही यू नो एम्प्लॉय के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एसोसिएट किया जाए. ये जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के केसेस में होता है, और ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, राइट. क्वेश्चन 8 इज, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू गेट द थिंग्स डन इन द ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है अगर उन्हें अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट, मॉनिटरी बेनिफिट्स, बी डेलीगेशन, सी एमबीओ टेक्निक्स, या डी ऑल ऑफ द अबव. सी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्हें काम करवाना है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि क्या आउटकम होगा. सो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता. मॉनिटरी बेनिफिट या इंसेंटिव, ये तो बाद की बात आती है जब आप काम कर लेते हो. द ऑप्शन बी डेलीगेशन, इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज आपको काम करवाना है तो क्या ज़रूरी है, डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है. ऑप्शन सी है एमबीओ टेक्निक, अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, बिकॉज मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो सकता. तो क्या बचा, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज़ डेलीगेशन. नाउ कम्स क्वेश्चन 9, द वॉट इज द कंसल्टेंट मस्ट बी एबल टू रिकोगनाइज अबाउट द क्लाइंट फ्यूचर नीड. ओके, सो हु इज़ अ कंसल्टेंट? सो हर ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब नॉट हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक थर्ड पार्टी को अपनी कंपनी में बुलाती हैं, एंड वॉट द डू, दे ऑब्जर्व द यू नो वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उन्हें हम बोल सकते हैं कंसल्टेंट. वो आते हैं और वो देखते हैं कि कंपनी का मेन एम क्या है, मतलब कंपनी में जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं. नाउ अगर मैं बात करूँ उन कंसल्टेंट का मेन फोकस क्या है, यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन दे रखे, विजन, रिकॉग्निशन, एमबीओ टेक्निक, या ऑल ऑफ द अबव. डेफिनेटली विजन हो सकता है, बिकॉज उनको क्या करना है, वो बाहर से, ही इज़ कमिंग एज अ थर्ड पर्सन, ही और शी कमिंग एज अ थर्ड पर्सन, एंड दे आर व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉई, राइट. बी रिकॉग्निशन, नहीं, रिकॉग्निशन उनका फोकस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे वर्क दे आर गोइंग टू डू. थर्ड इज़ अ एमबीओ टेक्निक, अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कंसल्टेंट, एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता. तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, विच इज़ द विजन. सो कंसल्टेंट का मेन काम क्या है क्लाइंट को लेके, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो एम्प्लॉय के विजन के साथ मैच करे. नाउ कम्स द क्वेश्चन 10, द ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स विच वेर यूज्ड थ्रू आउट द ईयर्स आर. कौन सी ऐसी ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स है, अगर आपने कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा हो मैनेजमेंट में, तो उसमें आपको ये सारी जो मतलब टेक्निक्स हैं ये दी होंगी. सो यू शुड बी एबल टू यू नो एटलीस्ट आपको उनके नेम्स पता होने चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, द ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स विच वेर यूज्ड थ्रू ईयर्स आर.
ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ पॉलिसी, ऑप्शन बी ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑप्शन सी बजटरी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारी टेक्निक्स जो है कंट्रोल में यूज होती हैं. नाउ कम्स ऑप्शन 11th, क्वेश्चन 11th. इंडिविजुअल हु अचीव द गोल थ्रू अदर पीपल. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. एक इंडिविजुअल जो दूसरे की हेल्प के थ्रू अगर कोई गोल अचीव करता है उसको क्या बोलेंगे. आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मैनेजर, बी ग्रुप, सी इंडिविजुअल, डी ऑल ऑफ द अबव. डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी ईजी. तो आंसर इज ए मैनेजर. सो मैनेजर इज समवन हु विल गेट हिज वर्क डन थ्रू अदर पीपल, थ्रू हिज टीम. Now the question 12th is management skill is concerned with. This is a very very good topic guys. अगर आपने starting में Maslow theory में पढ़ा हो उसके उसका next topic ही management skills related है. थ्री टाइप्स के स्किल्स होते हैं आपके, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल. मैनेजमेंट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को सब कुछ देखना है, ही नीड टू बी एवरीवन. सो मैनेजमेंट में जनरली कौन होता है, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, राइट, दीज आर द इंडिविजुअल हु विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो इन्हें टेक्निकल भी आना चाहिए, ह्यूमन भी आना चाहिए और कंसेप्ट रिलेटेड भी आना चाहिए. तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव. उन्हें ये सारे ही स्किल्स जो हैं आने चाहिए. नाउ कम्स क्वेश्चन 13. द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज. ओके, सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे बात हो रही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. किसी चीज़ के बारे में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज कब होगी, जब आपके पास उससे रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स होंगे, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन ए टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज ह्यूमन स्किल्स हो नहीं सकता. ह्यूमन स्किल्स में आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपर्टीज होना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्चुअल भी नहीं हो सकता. ऑप्शन डी तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14th. 14th से द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड अ ग्रुप इज कंसर्न्ड विद. अगर आपको मतलब उस एबिलिटी को क्या कहते हैं जब आप एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में लोगों को कन्विंस कर सको, डेफिनेटली दैट इज़ अ जॉब ऑफ अ एचआर, राइट. सो आप इसे बिना ऑप्शन देखे भी यू कैन यू नो टेल दिस थिंग. So the option B is your answer here, that is human skills which is related to HR. Now comes question 15th. The mental ability to analyze and diagnose complex situation is called, matlab ek mental ability, ek skill set hona chahiye aapke paas to analyze and diagnose complex situation, tough situations ko handle karna इज़ नोन एज वॉट. ये स्किल्स किसके पास होंगे, टेक्निकल स्किल्स तो वो होते हैं जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज हो, जैसे कि बी टेक हो, एम टेक हो, एम बी बी एस हो, राइट, दैट आर द टेक्निकल फील्ड. ह्यूमन स्किल्स हो गए जब आपको यू नो ग्रुप में या इंडिविजुअली आप लोगों को संभाल लो. सो द आंसर इज सी हेयर विच मीन्स द कंसेप्चुअल स्किल्स, मतलब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से डायग्नोज करते हो, उसको एनालाइज करते हो और उसके बाद उस पर अपना कंसेप्ट लगाते हो, दैट इज़ नोन एज कंसेप्चुअल स्किल्स, राइट. Now comes to question 16th. Question 16 say, the study of societies to learn about human being and their activities. It is the study of human race, in particular its culture. Culture has significant influence of human behavior. ओके, जब हम इंसानों की पढ़ाई करते हैं, वेन वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग, इन अ वेरी वेरी लेमन टर्म मैं आपको बता रही हूँ, वेन वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग, वट इज़ नोन एज, दैट इज़ नोन एज. सो फोर ऑप्शंस आर गिवन ओवर है गाइस. फर्स्ट इज साइकोलॉजी, डेफिनेटली इट्स नॉट साइकोलॉजी. ऑप्शन बी सोशल साइकोलॉजी, अगेन इट्स नॉट सोशल साइकोलॉजी. ऑप्शन सी इज एंथ्रोपोलॉजी, येस, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो डेफिनेटली यहाँ पे साइकोलॉजी हो नहीं सकता, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ह्यूमन बींग, राइट, उनकी सोसाइटी में वो कैसे उठते बैठते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू that. Option B social psychology, again it has nothing to do with that, because yahan pe agar aap second line dekho question mein, it is mentioned it is the study of human race. Human race ke bare mein kya padhte hain, use kya bolte hain, that is option C which is known as anthropology, right. See these are very very easy questions. Agar aap anthropology ka bhi meaning dekhoge to aap usko root word ke through pad sakte ho, right, that will really going to help you a lot. Now comes question 17. Putting employees in charge of what they do. Employees जो भी करते हैं, right, उसका उन्हें charge देना, उसको क्या बोलते हैं. So option A is process re-engineering. No. Option B, quality management. It can be. Option C, empowering employees. And option D is none of the above. Okay.
अगर आप किसी अपने एम्प्लॉई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि यार ये काम आपका है, आप संभालो, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉई को अच्छा लगेगा, ही और शी विल फील गुड अबाउट यू नो हिमसेल्फ, दे विल फील कॉन्फिडेंट, राइट? सो इसको हम क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़, बिकॉज हम एम्प्लॉयज़ को क्या करें, एम्पावर करें, वी आर जस्ट बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस, एज यू कैन सी ओवर है, right? So this is for QM. Actually, I wanted to explain you what quality management is all about. So quality management का मतलब क्या होता है? Management की quality को आप कैसे improve कर सकते हो? So see, management related जो terms हैं, इनके terms के अंदर ही इनके meaning छुपे हुए हैं, right? So you just need to understand the term and then you need to work upon it. Now the 18th question of the day is situation in which individual are required to define right and wrong conduct. What is known as that? So option A is process re-engineering, option B is quality management, option C is ethical dilemmas, and option D is none of the above. See, it's very very clear. Agar aapko samne mention kiya hai ki right and wrong conduct se related aapko cheeze dekhni hai, that is always related to your ethical dilemmas, right? Ye aapke ethics se related hai. So answer will be option C, which is ethical dilemmas. Question 19th. आपको कह रहा है द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज व्हाट. सो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, हमने एंथ्रोपोलॉजी का मतलब पढ़ा. एंथ्रोपोलॉजी हैज़ नथिंग टू डू विद द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ओनली कंसर्न विद द ह्यूमन रेस, राइट? नाउ ऑप्शन दो आपके पास बचते हैं, ऑप्शन ए एफिशिएंसी एंड ऑप्शन बी इज टर्न ओवर. सो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कि किसी काम को बहुत ही एफिशिएंटली करना. एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री परमानेंट विड्रॉल. सो इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी टर्न ओवर, राइट? नेक्स्ट कम्स टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस. सो एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन अ जॉब इज नोन एज व्हाट. अगर एक इंडिविजुअल है और उसका कैपेसिटी है कि वो बहुत सारे टास्क एक ही जॉब में इकट्ठा कर ले. सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप एक एचआर हैं, आप रिक्रूटमेंट भी करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट में भी आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ एक्चुअली वट वी कॉल दैट विल बी योर एबिलिटी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर टर्न ओवर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव. तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, राइट? सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस ऑफ द डे गाइस. आई होप आपको समझ आए हो एंड ट्राई टू यू नो डू एज मच एज क्वेश्चंस दैट यू कैन डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये क्वेश्चंस जनरली हम टेलीग्राम ग्रुप पे कर रहे हैं इस समय, एंड रेगुलरली 1 PM वी कंडक्ट 20 क्वेश्चंस ऑन HRM. एंड कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है. एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू कम एंड जॉइन अस. एंड अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं, सो यू कैन सी दिस वीडियोज़ ऑल्सो, दे विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.